दाऊद साहब, आपसे मिलने सुलेमान अहमद साहब आए। बहुत सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर, कैसे हो शामिल सिकंदर? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? खैरियत सर, कैसे आना हुआ? सच पूछो तो खैरियत ही नहीं है। हाँ, अगर मैं और तुम्हारे बाबा चाहें तो सब ठीक भी हो सकता है। क्या कहते हो दाऊ, क्या हम दोनों कुछ देर अकेले में बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप लोग बात करें, मैं आता हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि बाप की गलती की सजा औलाद को नहीं देनी चाहिए। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामीर मर जाएगा बाबा। जी भर गया है जीने से, हालांकि तुमने क्या नहीं किया मुझे जिंदा रखने के लिए। कभी डर के कफन दिखाए, कभी महरीन को मौत बना के मेरे सामने खड़ा कर दिया, और जानते हो क्या हुआ? शामीर और शिब्रा की मोहब्बत देखकर, उनका एक दूसरे पे कुर्बान होने का जज्बा देखकर, खुदा की कसम मैं अपने आप को जीने तो क्या मरने के भी लायक नहीं समझता हूं दाऊद अली खान। सीधी सीधी बात करो जो करने आया हो। छोड़ो ये बचपना, बड़े हो जाओ आप। हमारे बच्चों को अलग करके तुम तो जी लोगे, मगर वो, अरे वो तो कभी हंस के ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पाएंगे, और मैं इस गुनाह के साथ अपने रब के हुजूर पेश नहीं होना चाहूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो शामीर को उसकी जिंदगी के हवाले कर दो, और दूसरा ये कि मैं वादा करता हूं तुमसे, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मैं मरते दम तक वो किसी को नहीं बताऊंगा।